मैं आज एक पुराने पैंट से बोलस्टर बनाने वाली हूँ। इससे बोलस्टर बनाना बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। और इसको इससे दो बोलस्टर एक साथ बनेंगे, मतलब पूरा पेयर बन जाता है। बोलस्टर को मसंद भी कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ से मैं 9 इंच पर एक निशान लगा लूँगी। यहाँ से 9 इंच चौड़ाई चाहिए यानी कि बोलस्टर की हमें, और लेंथ चाहिए 21। तो 21 पर ही मैं कुछ मार्क्स लगाऊंगी और फिर उनको मिला दूंगी, आपस में ज्वाइन कर दूंगी। तो यहाँ से भी 21 पे लगा लूँगी मैं निशान। पुरानी बैंड से हम बोलस्टर कवर भी बना सकते हैं सुंदर सा, वो भी बिना मशीन के। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी, मैंने बनाया है लेकिन वीडियो लंबी हो जाती इसलिए मैंने उसको इसमें ऐड नहीं किया है। तो आप मेरी आने वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे। और इसको यहाँ से भी कट कर लेंगे। मैंने जो अपनी वीडियो में आने वाली वीडियो में बोलस्टर कवर दिखाऊंगी बनाना, तो उसकी फोटो मैं यहाँ पे डाल दूंगी, आप देख लेना। आप आने वाली वीडियो को देख लेना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब मैं इसको उल्टा कर लूँगी। अब मैंने क्या करना है, जहाँ पर ये सिलाई लगी हुई है, यहाँ पर ये सिलाई लगी है, यहाँ से 9 इंच पर निशान लगाते चले जाएंगे। ऊपर हिस्सा सिला हुआ है, सिला हुआ तो यहाँ से भी है, लेकिन हमें एक ही तरफ सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे 9 इंच पर हम निशान लगा लेंगे और इसको स्केल से सीधा मिला देंगे। इसको हमें कट नहीं करना है, सिर्फ सिलाई करनी है, इसमें कटिंग नहीं करनी है हमें कुछ भी, क्योंकि ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा है ये अंदर ही दब जाएगा, क्योंकि अभी हमें इसे फिल भी करना है फाइबर से या पुराने कपड़े से, जिससे भी आप चाहें वो इसमें भर सकते हैं। तो पहले इसको हम सीधा कर लेंगे और सुई में धागा डालकर सुई से इसको सिल देंगे। इसमें छोटे छोटे टाके ले लेंगे आसपास और ऐसे सिलते चले जाएंगे। तो इसमें तो मैंने फिर भी मशीन से बताया है आपको कि एक सिलाई लगाई है। अगर आपके पास मशीन नहीं है तब भी आप हाथ से वो सिलाई लगा सकते हैं। इसी तरह जो बोलस्टर कवर मैं आगे बताने वाली हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, उसको भी आप बिना मशीन के ही सिल सकते हैं, और बल्कि उसमें तो लेस वगैरह लगेगी, तो वो भी मैं बताऊँगी आपको कि कैसे लगानी है। तो मेरी आने वाली वीडियो को ज़रूर देखना। यहाँ से इसको हम लेकर सिल देंगे अच्छे से, मतलब इधर उधर से निकाल के, और गांठ लगा देंगे, पक्का हो जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे, इसमें या तो फाइबर भरेंगे इस तरह की, या फिर कपड़े भर लेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आपको कैसे करना है। अगर आपके पास फोम है तो वो बहुत ही अच्छी बात है कि उससे अगर कपड़े भी भरेंगे आप, तो आपको बोलस्टर जो है उबड़ खाबड़ नजर नहीं आएगा। उसके लिए पहले फोम को अच्छे से सारे साइडों में लगा दें, इस तरह से प्लेन सा हो जाएगा, हाथ से अंदर अच्छे से उसको फैला दें इस तरीके से, जैसे कि देख रहे हैं चारों तरफ किनारे किनारे पे हो गया वो। अब ये इसी बैंड का ऊपर का कपड़ा जो बचा हुआ था वो मैंने इसमें डाल दिया है, और भी मैं कपड़े इसमें डाल दूँगी। तो आप देखेंगे कि ये मैंने सारे कपड़े भर दिए हैं, और ये जो ऊपर से फोम निकल रही है इसको अंदर करके, और जैसे मैंने नीचे का हिस्सा सिला था वैसे ही यहाँ से भी सुई धागे से सिल लेंगे, पास पास टाके ले लेंगे। बहुत ही आसान है इसे बनाना, आप देख सकते हैं, ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं लगती है, 5 मिनट में ये बोलस्टर तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम अपना दूसरा बोलस्टर भी तैयार कर लेंगे।
उसे सिलने के बाद इस धागे को खींच लेना है और यहाँ से जैसे हमने पहले सिला था नीचे वाला हिस्सा, इसी तरह इसको भी सिल देंगे फोम को अंदर करके, धागे को खींच के और इधर उधर से स्टिच कर लेना है। मतलब ऊपर से लिया, नीचे निकाला, साइड से लिया, दूसरे साइड निकाला, तो इस तरह से पक्का कर लेना है और अच्छे से गांठ लगा देंगे लास्ट में। और ये देखिए हमारा बोर्सो तैयार है। और ये बोर्सो बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा कि इसमें कपड़े भरे हैं, देखिए फोम की वजह से ये प्लेन लग रहा है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ऑल पर रखकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।